नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों आज बात करेंगे हम मंगली दोष की कि मंगली दोष क्या होता है, मंगली दोष कैसे बनता है, मंगली दोष का क्या प्रभाव पड़ता है और मंगली दोष का क्या परिहार हो सकता है। और जानेंगे कि क्या कुंडली में जब मंगल दोष होता है तो वो कहाँ तक वैवाहिक सुख के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि सबसे पहले आपको मंगली दोष के बारे में जानना होगा कि मंगली दोष क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है, उसका आपके वैवाहिक सुख पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। हम इन सभी डाउट्स को आज अपने इस वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि केवल मंगली दोष होने से ही डरने की आवश्यकता नहीं है। ये देखना होगा कि मंगल आपके लिए आपकी कुंडली में कैसा प्रभाव रखेगा, क्योंकि हमारे जो भी वैदिक ज्योतिष के मूल प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें मंगली दोष के बारे में कहीं भी कोई व्यवस्थित उल्लेख नहीं मिलता है। और जो मंगली दोष है इसका प्रचलन दक्षिण भारत में ज्यादा रहा, और आज हम यहाँ पे इन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे कि जो मंगली दोष है कैसे बनता है, कैसे काम करता है, और उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और ये मंगली दोष क्या होता है अब हम यहाँ पे इस उदाहरण कुंडली के आधार पे आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले मंगली दोष कैसे बनता है। मंगली दोष मंगल ग्रह से बनता है, और हमारे जन्मांक में हमारी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह का कुछ विशेष भावों में बैठना मंगली दोष का निर्माण कराता है। उन विशेष भावों के बारे में बात करते हैं कि वो विशेष भाव कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले वो विशेष भाव है पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और बारहवां भाव। इन सभी भावों में से किसी भी एक भाव में मंगल की उपस्थिति मंगली दोष का निर्माण करती है, और मंगली दोष तीन प्रकार से बनता है। क्योंकि अभी आप केवल ये देखिए कि मंगली दोष कैसे बनता है, फिर उसके बारे में धीरे धीरे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। और मंगली दोष तीन प्रकार से बनता है। पहला लगन से मंगल अगर पहले भाव में या चौथे भाव में या सातवें भाव में या आठवें भाव में या बारहवें भाव में, इनमें से किसी भी एक भाव में बैठा होगा तो लगन से मंगली दोष का निर्माण करेगा। दूसरा चंद्र से मंगली। चंद्र क्या है? चंद्र है व्यक्ति का मन, मानसिक स्थिति। उस चंद्र से मंगल का संबंध स्थापित किया जाता है कि चंद्र से जब मंगल पहले भाव में, मतलब जब चंद्र के साथ बैठा हो, या उससे चौथे भाव में या सातवें भाव में या आठवें भाव में या बारहवें भाव में मंगल हो तो जातक चंद्र मंगली माना जाता है। तीसरा होता है शुक्र से मंगली। शुक्र विवाह का कारक, वैवाहिक सुख का कारक, और चंद्र से मंगली। अब यहां पर देखेंगे जब मंगल चंद्र जब जो मंगल है शुक्र के साथ बैठा हो, या उसे चौथा हो या सातवां हो या आठवां हो या बारहवां हो, तो जातक शुक्र से मंगली बनता है। अब इस चीज को मैं आपको एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आप अपनी ही कुंडली के द्वारा ये जान सके कि क्या आप मंगली हैं या नहीं। अब ये देखिए, ये मैंने तुला लगन की उदाहरण कुंडली ली है। अब इस पे हम जानेंगे, पहले जानेंगे लगन से मंगली। लगन क्या है? लगन स्वयं जातक है, जातक का तन है, उस जातक से उसके तन से मंगल के संबंध को स्थापित करते हैं। देखिए ये हो गया लगन पहला भाव। अगर मंगल लगन से पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में या बारहवें भाव में, इनमें से किसी भी भाव में अगर मंगल बैठा है तो जातक लगन से मंगली
कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंगल अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, मंगल अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये जातक लग्न से मंगली कहलाएगा। दूसरा, चंद्र से मंगली, चंद्र कुंडली में जहां भी विद्यमान हो वहां से गिनती प्रारंभ करनी है। चंद्र यहाँ पंचम घर में है तो गिनती यहां से प्रारंभ होगी। अब चंद्र से हम उन भावों को देख लेते हैं। ये चंद्र पहला हो गया, एक दो तीन चार, ये चौथा हो गया, पांच छह सात, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, ये नौ दस ग्यारह और ये बारहवां भाव हो गया। इनमें से किसी भाव में अगर मंगल बैठा होगा तो जातक चंद्र मंगली कहलाएगा। और यहाँ इस कुंडली में देखते हैं, यहाँ पे एक दो तीन चार, इस चंद्रमा से मंगल चौथे स्थान में है तो यहाँ पे जातक चंद्र मंगली कहलाएगा। अब बात करते हैं शुक्र की। देखिए इस कुंडली में मंगल शुक्र के साथ ही बैठे हुए हैं तो यहाँ पे जातक शुक्र से भी मंगली माना जाएगा। एक बार मैं आपको शुक्र से उन भावों को भी बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, ये शुक्र से पहला भाव होगा, एक दो तीन चार, ये चौथा भाव होगा, पांच छह सात, ये शुक्र से सातवां भाव होगा, ये आठवां भाव होगा, नौ दस ग्यारह और ये बारहवां भाव होगा। अगर इनमें शुक्र से अगर इन भावों में मंगल उपस्थित होगा तो जातक शुक्र से मंगली कहलाएगा। यहाँ पे मैंने अभी आपको इन सभी बातों को बताया कि हम कैसे पता करेंगे कि जातक मंगली है या नहीं है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दक्षिण भारत में दूसरे भाव में अगर मंगल बैठा होता है तो उसको भी मंगली माना जाता है। दूसरे भाव में भी दक्षिण भारत में मंगली माना जाएगा अगर मंगल यहाँ पर उपस्थित हो। अब ये करते हैं कि देखिए, हमने तीन कंडीशन ली कि पहले लगन से मंगली, दूसरा चंद्र से मंगली और तीसरा शुक्र से मंगली। इसमें क्या होता है, इसमें पहले आपने देख लिया कि मंगली है या नहीं, पहले लगन से मंगली देखा, फिर चंद्रमा से मंगली देखा, पहले तन से संबंध स्थापित किया, फिर मन से किया, फिर कारक से शुक्र से किया संबंध। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस मंगली दोष की या मंगल प्रभाव की वृद्धि होती चली गई। तो यहाँ पे इन्हीं सब चीजों को देखेंगे। और उसके बाद में अभी आपने ये देखा होगा कि जब किसी भी विवाह योग्य जो लड़के या लड़कियों की विवाह की बात चलती है तो उस समय इन चीजों को ज्यादा देखा जाता है कि जो लड़का है या लड़की है वो मंगली तो नहीं है, मंगली तो नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे ये विशेष भाव थे, जो हमारे ये विशेष भाव थे वो कहाँ तक विवाहिक विवाहिक सुख से कह सकते हैं, विवाहिक सुख से कहाँ तक संबंध स्थापित करते हैं, इन सभी भावों पे एक बार देख लेते हैं। ये भाव क्या कहना चाहते हैं, इन भावों में मंगल बैठे हो तो ही हमें क्यों लिया जाता है, क्यों ही लिया जाएगा। ये देखिए, एक बार हम इस चीज का विश्लेषण और कर लेते हैं। पहले हमारा पहला भाव देखो, ये होता है तन भाव, जातक स्वयं, ये है चौथा भाव, ये है सुख भाव, ये है सातवां हमारे स्पाउस का भाव। अगर मान लीजिए पुरुष जातक की कुंडली है तो ये पत्नी स्थान है, अगर ये स्त्री जातक की कुंडली है तो ये पति स्थान है और ये है आठवां भाव। आठवां भाव होता है, देखिए ये स्पाउस से दूसरा है तो स्पाउस के लिए मृत्यु स्थान है और अचानक से घटने वाली घटनाओं का स्थान है। और अगर ये महिला जातक की कुंडली है तो महिला जातक के लिए सौभाग्य स्थान है। और बारहवां होगा सैया सुख का स्थान। तो कहीं ना कहीं ये भाव विवाहिक सुख से संबंध स्थापित करते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊं कि हमने मंगल की उपस्थिति को विशेष देखा, ठीक है जी। अगर मैं एक चीज को आपको बताने का प्रयास करूं, अगर मंगल को छोड़ दीजिए, अगर किसी भी अन्य नैसर्गिक अशुभ ग्रह को इन स्थानों में बैठा दीजिए तो वो ग्रह भी इन भावों से संबंधित जो फल मिलेगा उसमें कमी लेके आएगा, वो फल में कमी कर देगा। और वहीं पे जब अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे मंगल जो कि नैसर्गिक रूप से
अशुभ ग्रह हैं, और नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं तथा गुस्से के भी कारक हैं। और कह सकते हैं कि जो मंगल है लड़ाई झगड़े के भी कारक हैं। तो जब और वही मंगल यहाँ पे पाप प्रभाव में बैठे होंगे तो जरूर इन भावों से संबंधित फल में कमी जरूर लेके आएंगे। जब इन भावों में कमी आएगी तो कहीं ना कहीं वो जो विवाह से संबंधित संबंध में संबंध स्थापित करेंगे, या कह सकते हैं कि विवाह से संबंधित जो भी मतलब सुख होगा उसमें कमी लेके आएगा। तो हो सकता है किसी वजह से यहाँ पे मंगल को और इन भावों से संबंध स्थापित किया होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देखना है कि यहाँ पे जो मंगल बिठाया है या मंगल से बात की गई है वो क्यों की गई है। मैंने यहाँ पे इस चीज को एक तर्क के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि कोई भी अशुभ ग्रह यहाँ पे दिक्कत करेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि वो दिक्कत करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि केवल मंगली दोष देखने से ही हम ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति का वैवाहिक सुख ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि हर बार आपको लगता है कि क्या हर बार मंगल यहाँ पे अशुभ परिणाम देंगे, इसके लिए मंगल की स्थिति को देखना पड़ता है। और केवल मंगली दोष होने से ही हम ये नहीं कह सकते कि किसी जातक का वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण होगा, उसके लिए बहुत सारी चीजों का विश्लेषण किया जाता है और भी सारी चीज है उनको देखा जाता है, उसके आधार पर ही आप किसी के वैवाहिक सुख के बारे में बता सकते हैं। और वो सारी चीज हम आपको मंगली दोष का परिहार और कैसे मंगल कैसा बर्ताव करेगा इस कुंडली में, किसी भी कुंडली में मान लीजिए कैसा फल देगा, उस चीज का जो उस चीज के बारे में जो चर्चा की जाएगी वो आगे आने वाली वीडियो में उसमें चर्चा की जाएगी। उसमें मैं आपको पूरा विस्तृत तरीके से बताऊंगा कि मंगल कैसा परिणाम देगा, मंगल की खुद की स्थिति कैसी है, वो बाधा उत्पन्न करेगा या नहीं करेगा, या मंगली दोष निरस्त हुआ है या नहीं हुआ है, कैसा फल देगा, तो वो आगे आने वाली वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पे केवल आप ये जानिए कि मंगल दोष क्या है, क्या उसका प्रभाव है, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, मंगल की स्थिति देखी जाती है, तभी हम कुछ कह सकते हैं। तो आशा करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।